हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप ही अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि अप्रेंटिसशिप या रोजगार मेला या कैंपस सिलेक्शन की जानकारी पल पल अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब को इसको सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एचएल की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप के लिए उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या एज मांगा गया है और क्या इसमें योग्यता है, कितने तक मेरिट जाएगी और कितने तक यहाँ पर आपकी कितने परसेंट तक आईटीआई का मेरिट मांगा गया। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पहले दोस्तों देख लीजिए, ये जो आपकी वैकेंसी आई है एचएल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये अपने बारे में कुछ दिया गया डिटेल, जैसे विषय के बारे में दिया गया कि शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिसशिप परीक्षुक अप्रेंटिस परीक्षण तो चयन 2020-2021 में आपका यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं योग्यता में, इसमें योग्यता क्या मांगी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं तकनीकी योग्यता में लिखा गया साफ साफ कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी विभिन्न शाखाओं जैसे फिटर टर्नर, ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, अभी इस ट्रेड से होंगे तो आप इस फॉर्म को भरना न भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों एच एल की वैकेंसी बार बार नहीं आती है, और जब आती है तो बहुत सारे लोगों को इसमें आपका इसमें मिला जाता है, आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, आप फॉर्म जरूर भी लिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से विभिन्न शाखाओं से जैसे फीटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर और वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक मशीनिक और इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी और पाशा। यहाँ पर 2016 2017 2018 में आईटीआई राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र राष्ट्रीय व्यवस्था प्रशिक्षण पद द्वारा आयोजित किया गया है, और 2019 में जो लोग उत्तीर्ण हैं वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा गया, ठीक है। नीचे आते हैं दोस्तों, और भी क्या जानकारी दिए गए। शैक्षिक योग्यता जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर टर्नर फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट ग्राइंडर ड्राफ्टमैन मैकेनिक हाई स्कूल विज्ञान और गणित 10+2 पद्धति के अवस्था पर आपका समकक्ष होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हाई स्कूल 10+2 अथवा समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पर कोपा वालों के लिए दिया गया है कि कोपा पासा में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नेशनल काउंसिलिंग फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा जारी किया गया हो तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, ये कोपा और पासा वालों के लिए विशेष रूप से दिया गया है। अब नीचे आप बातें करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको प्रशिक्षु अधिनियम जिन्होंने पहले अप्रेंटिस परीक्षण प्रारंभ कर दी हो वो प्राप्त करें उनके लिए पात्र नहीं आता। जो लोग पहले से अप्रेंटिसशिप कर लिए किसी भी आप ट्रेड से हो, यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लिए तो दोबारा आप इसके लिए अलाउ नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको दिया गया स्टूडेंट ऑफ द COE SCVT कौन से आर द नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अर्थात SCVT वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों उसी बात को लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे आते हैं, केवल भारतीय राष्ट्रीयता अंत आवेदन कर सकते हैं, अर्थात जो लोग भारतीय हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दिया गया, जैसे कि किस जाति के लिए कितना यहाँ पर छूट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ST OBC EWS डिसेबल कैंडिडेट, अर्थात यहाँ पर लिखा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWL विकलांग के श्रेणी में अनुदान के अंतर्गत होगा, ठीक है, उनका जैसे छूट दिया जाता है वैसे भी यहाँ पर छूट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज के बारे में दिया गया कि कितने तक एज के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 19/12/2019 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है इनका कि आप यदि 27 वर्ष से अधिक है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। 18 से यदि 27 के बीच है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया जैसे छूट दिया जाता है अनुसूचित जनजाति और को लिए 5 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, और विकलांग श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, आप इसको फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मेथड है, ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये मेरिट के बेस पर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर लिखा गया है इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और अन्य कोई आवेदन माध्यम स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात ऑफलाइन या कोई और भी यहाँ से आवेदन करते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपका वेबसाइट का यहाँ पर दिया गया है या अप्रेंटिसशिप पोर्टल के वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, जो आप मैंने आपको बता दिया, यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं जिसका पोर्टल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और वहाँ से ही आप इस बार फॉर्म को भर सकेंगे। इसका जो लिंक खुलेगा ये 7 दिसंबर प्रातः 9 बजे से ये फॉर्म भरा जाएगा और 19 दिसंबर 2019 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व यहाँ पर आपको जो आप इस फॉर्म को भरेंगे उससे पहले आप अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए ये बात बताया गया है, अप्रेंटिसशिप करना चाहते तो रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखा गया अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर भूलभूत सूचना भरने पर उपरांत वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या मिलेगी जिसपे अभ्यर्थी तुरंत ही भविष्य में उपयोगी नोट कर सकेंगे। यहाँ पर कहा गया है यदि आपको कोई भी मिस्टेक होता है फॉर्म भरने में तो आपको वहाँ पर सुधार करने का दोबारा मौका दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी और भी जानकारी नहीं दी गई, जैसे कि दोस्तों जैसे मैं आपको बता सूँगा यहाँ पर जो सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस के अनुसार होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन दिया गया और इसी नीचे यहाँ पर इसके बारे में दिया गया, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया कि चयन मेरिट के आधार पर होगा, अर्थात मेरिट बेस पर होगा। हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत, यदि आप हाई स्कूल में है तो आपका 70% होना अनिवार्य, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। और यहाँ पर ITI में प्राप्त प्रतिशत, देखिए दोस्ती HL ESQ को आते हैं सबसे अच्छी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए, देखिए इसमें आपको कितना मांगा है 30%, 30% कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 30% ITI में नहीं होगा। यदि उसके पास 30% नहीं है तो उसका ITI करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 30% दोस्तों मैं आपको बता दूं HL की ही ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें सबसे कम मांगा जाता है, वो ITI वालों के लिए वैकेंसी में ITI प्रतिशत मांगा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप ITI किए हैं तो आपका 30% होना अनिवार्य, बहुत लोगों के पास तो 80% होगा उनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन 30% से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि मेरिट आधारित जनजाति प्रमाण जनजाति, और यहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है वैसे भी आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर संजय प्रतिशत मान्य नवे होगा, जैसे 86 और मान यहाँ पर दिया गया कि 10 मान तक सही भरे, ठीक है, अर्थात जब आप लिखेंगे, जब आपका वहाँ पर पूरा निकाला जाता है कि आपका कितना कितना परसेंट है तो आप सही से लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका दशमलव में आपका यहाँ पर जैसे 86.4 लिख देते तो ऐसे मान्य नहीं होगा, 86.45 इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है चयन परिणाम यहाँ पर वेबसाइट पर घोषित होगा, ठीक है, जब घोषित होगा तब घोषित होगा, यहाँ पर बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएगा आपका, जैसे कि 24/12/2019 को ही आपका घोषित हो जाएगा मेरिट बेस के अनुसार। यहाँ पर नीचे आता है दोस्तों, यहाँ पर डी में दिया गया है कि अगर चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के अभ्यर्थी को तत्काल निरस्त किया जाता है, अर्थात इनकी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जिन्होंने इनका प्रोसेस है उसमें आपको कोई भी त्रुटि होती है या आप उसके काबिल नहीं है और आपने फॉर्म भर सकते हैं और किसी वजह से उनके अनजान होने के बाद भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और भर दिए हैं और उसमें सिलेक्शन आपके मेरिट में आ भी जाता है और बाद में आपको कोई भी गलती होती है तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, यहाँ का कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जो नीचे है दिया गया है, देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया है और ये जो आपका नंबर है ये कब से कब काम करेगा तो 8 से 16 बजे, अर्थात के यहाँ पर कहने का मतलब है सुबह 8 से और शाम 4 बजे तक ये यहाँ पर फोन लगेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये लखनऊ ब्यूरो का नंबर है, HL जो मुख्य प्रबंधक है उनका यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आपको कोई भी जानकारी यदि और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप कंप्लीट देख लीजिए और इस वीडियो का PDF अर्थात इस डॉक्यूमेंट का PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग पा चुके होंगे। तो आप भी इस तरह का डॉक्यूमेंट या आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना है तो साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ एक और वैकेंसी की जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।